प्रदेश के अमरोहा की नौगांवा विधानसभा सीट के उपचुनाव में बड़ी चुनावी सभा की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि यह शुरुआत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से हो रही है। नौगांवा सादात विधानसभा के गांव रजोहा में वह वीरवार को जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां आपको बता दें कि यूपी के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन के बाद सीट रिक्त हुई है, जिसको लेकर चुनाव होना निश्चित हो चुका है। वहीं स्वर्गीय चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वीरवार को अमरोहा जनपद की नौगांवा विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री संगीता चौहान के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। इसके लिए जनसभा स्थल पर अन्य जनपदों का पुलिस फोर्स भी मौजूद रहेगा। उत्तर प्रदेश सीएम करीब 1:30 बजे जनपद की नौगांवा सादात विधानसभा के गांव रजोहा में प्रस्थान करेंगे। वह करीब 1 घंटा चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अध्यक्ष जी, बताओ मुख्यमंत्री आगमन का ये जो मंच तैयार किया जा रहा है, क्या क्या इसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कब तक ये मंच तैयार हो जाएगा? ये बस आज शाम तक पूरी तैयारी हो जाएगी। आज शाम तक मंच वगैरह लगकर सब फिट हो जाएगा और कल माननीय योगी जी संबोधन करेंगे यहाँ से आके। माननीय संगीता चौहान जी के फेवर में सभा करने आ रहे हैं। इसमें अभी जो देरी चल रही है, इसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? देरी कुछ नहीं है, पूरी तैयारी है। मेरे हिसाब से कोई देरी नहीं, टाइम पे सब कुछ पूरा होगा। जी बताइए, जो मंच का निरीक्षण किया गया, क्या क्या निर्देश दिए गए, क्या क्या खाने? कल उपचुनाव जो हमारे इस नौगांवा विधानसभा में आदरणीय चेतन चौहान जी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता चौहान जी चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्हीं के पक्ष में जनता से अपील करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो उन्हीं के इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए मंच और ये सब तैयारियां चल रही हैं और जनता यहां पर उत्सुक है आदरणीय योगी जी को सुनने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतना, उसी के आधार पर उन्होंने जो कार्य किया है, चाहे वो किसानों की ऋण माफ़ी का हो, चाहे वो हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि देने की बात हो, बिजली जो 18 घंटे 20 घंटे और 24 घंटे हमारी सरकारें दे रही हैं, और घर घर शौचालय बनवाने का काम किया है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से जो काम किए हैं, तो सभी जनता में मोदी जी और योगी जी के प्रति एक अपार लगाव है, उत्साह है। तो जनता के बीच में जनता उनका स्वागत करेगी और वो जनता से, अपनी प्रिय जनता से अपील करेंगे कि स्वर्गीय चेतन जी के कारण जो सीट खाली हुई है, यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं, उनको कमल के सामने का बटन दबा करके 3 तारीख को अधिक मतदान करें और उनको यहाँ से विजयी बना करके इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर दें। ऐसी अपील करने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी रजोहा गांव में, नौगांव विधानसभा के रजोहा गांव में आ रहे हैं। ऐसी ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.